An Academy. Let's crack it. Hi students, मैं रमेश सिंह आपका An Academy में स्वागत करता हूं। आइए कुछ पढ़ते हैं। जैसा कि पता है आपको, An Academy का हिंदी माध्यम ऑफलाइन GS एंड ऑप्शनल कोर्स मुखर्जी नगर में आरंभ हो चुका है। पहले बैच के फुल हो जाने के बाद यहाँ पे दूसरे बैच की घोषणा की जा चुकी है, जो 31 जुलाई से शुरू होने जा रही है। आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी विधिवत तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि मेरी जिम्मेवारी आपके जनरल स्टडीज कोर्स में इकोनॉमिक्स एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री मुख्य परीक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक विकास पूर्ण प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी का जिम्मा है। आने वाले समय में हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन बातों की सूचना आपको देता रहूंगा। फिलहाल मैं आपके समक्ष खड़ा हूं एक खास मुद्दे के साथ, जो आज के लिए काफी समीचीन है और कंटेम्पररी है। वो क्या है भाई, आप देख सकते हैं, IAS एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा की सटीक रणनीति, द परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये टाइटल है। ये क्यों हमने टाइटल बनाया और ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पे ही फोकस है। आने वाले सेशन में हम आपको मुख्य परीक्षा से भी जोड़ेंगे और आंसर राइटिंग से भी जोड़ेंगे, उसके अंतर्गत आने वाले समय में निबंध से भी जोड़ेंगे आपको। लेकिन फिलहाल ये देखें कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने की सटीक राजनीति क्या, रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं जो आम तौर पर अभ्यर्थी करते हैं और उनको एग्जाम में असफलता मिलती है, सफलता नहीं मिल पाती है। अब हम शुरू करना चाहेंगे इस साल की, दैट इज 2023 PT एग्जामिनेशन पेपर वन जनरल स्टडीज। अगर आप देखें तो पाएंगे कि प्रश्नों के बदलते स्वरूप, पीटी 2023 के परिप्रेक्ष्य में, जिन लोगों ने पीटी 2023 का प्रश्न देखा उनको ये भली भांति पता होगा कि इस बार के प्रश्नों का पैटर्न, उनकी प्रकृति पिछले वर्षों के प्रश्नों से पूर्णतः भिन्न थी, कंप्लीट अलग थी। और आम तौर पर यह शिकायत मिली कि इस बार के प्रश्नों को करना बड़ा मुश्किल था, सही उत्तर का चयन करना बड़ा मुश्किल था। नेचुरली ये था, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, लगभग पिछले 30 वर्षों के अपने अध्यापन कार्यकाल में हमने हजारों छात्रों को पढ़ाया होगा, दिल्ली से लेके लखनऊ, हैदराबाद से लेके चेन्नई, त्रिवेंद्रम से लेके चंडीगढ़ तक, पटना भी। लेकिन हमारे किसी छात्र ने ऐसी कोई शिकायत हमको नहीं की कि सर प्रश्न बड़ी मुश्किल था, क्योंकि इस बार इलिमिनेशन करना मुश्किल था। एक खास सुनिएगा बाजार में बात कि इलिमिनेशन से आंसर निकालना संभव नहीं था। पता है आपको, आप इलिमिनेशन से आंसर चुन के शॉर्टकट की तलाश कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा कैसे देंगे आप? तो सबसे पहले बता दें आपको कि IAS की परीक्षा जो आप दे रहे हैं वो भारत में भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली बेस्ट नौकरी है, जॉब है, सेवा है। तो इसका शॉर्टकट कुछ हो सकता है क्या? सबसे पहली बात कि चाहे आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हो या इंग्लिश माध्यम के, इसका कोई शॉर्टकट है ये ढूंढना सबसे पहले बंद कर दीजिए। तो इसका लॉन्ग कट भी नहीं है, लंबा रास्ता भी नहीं है,
इसका राइट कट है, सटीक रास्ता, वही सटीक रास्ता आपको सीखना है। और किसी भी संस्थान में आप जाएं, टीचर कोई भी हो, मेंटोर कोई भी हो, अगर वो सटीक रास्ता आपको नहीं दे पाए तो आपका साल, डेढ़ साल, दो साल उस संस्थान में बेकार हो गया। वो टाइम पास करने हम नहीं आए, हमारी टीम यहाँ सटीक स्ट्रेटजी, सटीक रणनीति के काम करने आई है। और इसके पीछे हम लोगों का दशकों का अनुभव जुड़ा हुआ है, जिसमें हजारों छात्रों को सफल करने और लाखों को असफल होते देखने का अनुभव जुड़ा हुआ है। ठीक है, जरा देखिए कि क्या है कि पीटी 2003 में हुआ क्या कि छात्रों को एलिमिनेशन के माध्यम से आंसर ढूंढना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें ये पूछे जा रहे थे कि ऊपर दिए गए जो वक्तव्य हैं वो संबंधित विषय के बारे में, उसमें से दो सही हैं, तीन सही हैं, एक सही है, कोई सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब एलिमिनेशन काम नहीं करता, जो शिक्षक अपने छात्रों को एलिमिनेशन के माध्यम से पीटी पास कराने की तैयारी करा रहे थे वो निश्चित रूप से 100% फेल हो गए। और मेजोरिटी ऑफ टीचर्स भारत के इसी टाइप के हैं, माइनॉरिटी हैं जो छात्रों को एलिमिनेशन नहीं पढ़ाते, उनको बेसिकली क्या करते हैं, उनको पूर्णता प्रदान करते हैं, पूर्णता, कंप्लीटनेस, कि आप एक एक स्टेटमेंट के तह में उधर के जांच कर सकें कि ये सही है कि ये गलत है। ये बात समझ में आ रही है, हमारी स्ट्रेटजी यही है कि आप अगर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, एक्सट्रीम केस की 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर चारों स्टेटमेंट की सच्चाई को आप गहनता के साथ जानते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि इन स्टेटमेंट में से एक सही है कि दो सही है कि तीन सही है कि चारों सही है कि चारों गलत है। समझ में आ गया, क्योंकि हमने तैयारी ही ऐसे कराई अपने छात्रों की कि वो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते तो थे लेकिन एलिमिनेशन का ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके पास एलिमिनेशन करने के अलावा भी दूसरी स्ट्रेटजी थी, दूसरा टूल था, दूसरा उपाय था। समझ में आ रहा है, तो आप अपने साधनों में, टूल्स में सिर्फ एलिमिनेशन पे काम न करें, आप एलिमिनेशन को आजमाएं, क्योंकि ये आपका समय बचा सकता है। और आपको पता है कि पीटी एग्जाम में टाइम का कितना प्रेशर होता है, कई बार छात्र जो जानता हुआ पढ़ते हैं उसको पढ़ भी नहीं पाते, बल्कि उसका आंसर उनको पता था, ये सब चैलेंज है। तो आपको ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन एक टूल है, यही एक टूल नहीं है, एलिमिनेशन एक साधन है सही प्रश्न को चुनने का, उत्तर चुनने का, लेकिन यही एकमात्र टूल है ऐसी बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, तो इस बार 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्नों की प्रकृति बदलती गई, जो विकल्प दिए गए, विकल्प से जुड़े जो आपको कोड चुनने थे, उस कोड में एलिमिनेशन फेल हो गया। लेकिन जिन लोगों ने गहनता से पढ़ाई की, पूर्णता से पढ़ाई की, नंबर 1 एंड नंबर 2, गहनता का कभी भी यह तात्पर्य नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, नहीं, जनरल स्टडीज के लिए रिसर्च ओरिएंटेड प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, जनरल स्टडीज के लिए सामान्य प्रिपरेशन की जरूरत है, इसी कारण से इसका नाम सामान्य अध्ययन रखा गया है, अदरवाइज इसका नाम विशेष अध्ययन रखा जाता है, स्पेशल स्टडी। इसी कारण से आप एनसीईआरटी से जनरल स्टडीज की तैयारी शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो कुल मिलाकर के आपको बताएं कि आपकी गहनता कितनी हो ताकि आपकी जानकारी पूर्ण हो जाए, तो पूर्णता और गहनता को आप एक साथ जोड़कर चलिए कि किसी भी टॉपिक पे, उदाहरण के तौर पे अगर मुद्रा स्फीति पे सवाल आते हैं, इन्फ्लेशन, तो मुद्रा स्फीति क्या है, क्यों होता है, कितने तरह का होता है,
इसके बारे में एक आपको इसकी चारित्रिक विशेषता के बारे में एक कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, और पूर्णता का मेरा सेंस है कंप्लीट जानकारी का होना, डीप रूटेड नॉलेज नहीं। क्योंकि आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी जानकारी के बाद सरकारी नीतियां जो बनती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो चुनौती फेस करती है इन्फ्लेशन को लेकर, उन डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ के समझ लें और समझ लें कि इनका एप्लीकेशन रियल लाइफ में कैसे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चैलेंजेस को कैसे फेस करती है। बस इतना ही, इन्फ्लेशन पे थीसिस एंड पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो करने जा रहे हैं तो आप गहनता का एक अलग मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ गहनता कंप्लीटनेस के सेंस में है, पूर्णता, कि आपका ज्ञान कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुल मिलाकर जिनके पास किसी सब्जेक्ट मैटर पे आधा अधूरा ज्ञान होता है वही एलिमिनेशन का सहारा लेते हैं, या उनका एकमात्र सहारा एलिमिनेशन होता है, जिसको देहाती भाषा में कहा जाता है टॉस कर देना, टिक कर देना, आप पीटी निकाल लेना। अरे भाई, पीटी निकल भी गया है तो मुख्य परीक्षा में टॉस करने से काम चलना है, एलिमिनेशन से काम चलना है। वहाँ चॉइस होता है, वहाँ सीधे क्वेश्चन का लिस्ट दे देंगे और आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, वहाँ कहाँ काम करेगा। तो आप पीटी निकाल के कोई तीर नहीं मारेंगे, आपको मुख्य परीक्षा भी निकालना है, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है और अंततः जाकर के आपको साक्षात्कार में अपीयर होकर के फाइनली गुड रिजल्ट लेके आना है। तो 2023 के परीक्षा में जो एक परिवर्तन दिखा, जो घनघोर परिवर्तन माना जा रहा है मार्केट विशेषज्ञों के अनुसार, वो मेरे हिसाब से उनके लिए घनघोर चैलेंज है जिनकी तैयारी न तो पूर्ण होती है, न उसमें गहनता होती है, न तो उसमें डेप्थ है और न उसमें कंप्लीटनेस है। तो वो तो कम चैलेंज फेस करेंगे, वो पीटी निकाल भी लेंगे तो मुख्य परीक्षा में उनसे कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि आखिर इलाज क्या है इसका, इसका इलाज है क्या, देखते हैं इसका इलाज क्या है, उपाय क्या है। हमने तीन उपाय आपको बताए। पहला उपाय देखेंगे कि पाठ्यक्रम को आधा अधूरा नहीं पढ़ें, पाठ्यक्रम को कभी भी आधा अधूरा नहीं पढ़ें। इसका मतलब ये हुआ कि पाठ्यक्रम की पढ़ाई आधा अधूरा कभी नहीं करना है, कंप्लीट करना है। जो पीछे के स्लाइड से पूर्णता को आप यहां से लिंक कर सकते हैं। दूसरा, शॉर्टकट नहीं तलाशें। इस एग्जामिनेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमने एक साथ जोड़ दिया है ताकि आपके दिमाग में रहे। तो इस एग्जामिनेशन का क्या लॉन्ग कट है? एकदम लॉन्ग कट नहीं है। इस एग्जामिनेशन का वास्तव में हमारे लैंग्वेज में राइट कट है। राइट कट मतलब कि वही तरीका जो सबसे सटीक है, इसलिए हमने आपको टाइटल दिया कि प्रारंभिक की तरीका, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी का एक सटीक तरीका राइट कट। ये राइट कट पॉपुलर है मार्केट में एक टर्म से, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटजी। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, पीटी की, मेंस की। कोई टॉप कर गया, उसकी अपनी स्ट्रेटजी थी, वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। और आज पता है आपको कि उनके जो शेयर किए वीडियो होते हैं वो आज पूरे देश में फैल जाता है, जो कि वो फ्रीली अवेलेबल है। ज़्यादातर छात्र ये समझते हैं कि हमको भी वही तरीका अपनाना चाहिए, कोई गारंटी नहीं है। वो तरीका उनको काम आया, आपको अपना तरीका ईजाद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्लास में हम लोगों के सैकड़ों छात्र बैठे होते हैं, पढ़ाता एक शिक्षक है, स्ट्रेटजी अकेला डील करता है, लेकिन हर छात्र के लिए उसको कस्टमाइज करना पड़ता है, क्योंकि हर छात्र की कमियाँ और विशेषताएं एक जैसी नहीं होती। वही लागू होता है टॉपर पर भी, सेकंड टॉपर पर भी, थर्ड टॉपर पर भी, और जो फेल कर गया उस पर भी, कोई फर्क नहीं है।
तो कहानी ये है कि आपको सही रणनीति पे कार्य करना पड़ेगा। अगर आपकी रणनीति कमजोर है तो आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट की तलाश में होंगे, कहीं ना कहीं आप फेविकॉल चिपका के काम चलाने के फेरे में लगे होंगे। फेविकॉल चिपका के बनाई गई रणनीति कब बिखर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हर स्थिति में, हर हाल में आपको उत्तीर्णता के पदान तक पहुंचाए। समझ रहे हैं? तो पहला है कि पाठ्यक्रम को आधा अधूरा नहीं पढ़ें। दूसरा है शॉर्टकट नहीं तलाशें। कोई शॉर्टकट इस एग्जाम का नहीं है। अगर कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट बोलता है आपको कि हमने शॉर्टकट से पीटी निकाल लिया तो पक्का मेंस फेल हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो शॉर्टकट तो ढूंढना बंद कर दिए। तीसरा तरीका है कि उचित अभ्यास करें। मिस्टेक है, जरा सुधार दें इसको हम। उचित मात्रा में आपको अभ्यास करना जरूरी है। उचित अभ्यास, इसे आप कहते हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में दो पहलू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस एंड दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। ये आपको पीटी के लिए तैयार करता है और ये आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि थ्री वी में सोच रखिए। पाठ्यक्रम की पढ़ाई करें तो पाठ्यक्रम की पढ़ाई को पूर्णता में करें, पूर्णता के साथ करें, कुछ भी छोड़े नहीं। पाठ्यक्रम को आधा अधूरा नहीं पढ़ें। इन्फ्लेशन पढ़े, प्रकार पढ़ गए, कारण पढ़ गए, ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है पढ़ गए, भारत में हार में इन्फ्लेशन क्यों हुआ ये नहीं पढ़े, तो ये आपकी तैयारी अपूर्ण हो गई। हाल में अगर टमाटर महंगे हुए देश में तो क्यों महंगे हुए, क्या क्या कारण रहा और टमाटर की बढ़ी हुई कीमत की रोकथाम के लिए, लोगों को सस्ते टमाटर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए और उसका तत्काल क्या असर पड़ा कुछ बाजारों में, उदाहरण के तौर पे दिल्ली के बाजार में, क्योंकि सबसे पहले NCR में उस टमाटर को सप्लाई किया गया, कितना असर पड़ा टमाटर के प्राइस पर, ये जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बेसिस पे भारत सरकार आने वाले समय में टमाटर के बफर स्टॉक पे सोच सकती है। जैसे हमारे देश में बफर स्टॉक सिर्फ गेहूं और चावल का रखा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के शुरुआत होने के बाद, बाद में इसमें दलहन भी जोड़ दिया गया जो 3 लाख टन के आसपास आज के डेट पे पहुंच गया हुआ है। तो क्या भविष्य में ओनियन भी इसमें, तो क्या भविष्य में सरकार टमाटर का भी बफर स्टॉक रेगुलरली मेंटेन करेगी? अभी तत्काल सरकार ने किया है, हो सकता है ऐसा। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जो इन्फ्लेशन है उसका थियरी, उसका कंसेप्ट, उसका इकोनॉमिक्स, उसका इंडिया में अप्लीकेशन और आज का हालात, तीनों ही जोड़ के आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप अखबार कोई पढ़ के उठाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे काम का इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कौन सा समाचार काम का है और कौन सा समाचार काम का नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, तो पहला है कि पाठ्यक्रम को पूर्णता के साथ पढ़ें, दूसरा है कि शॉर्टकट की तलाश नहीं करें। क्या सही तरीका है जिसे हम कह सकते हैं सही रास्ता? सही रास्ता प्राप्त करने का दो उपाय है। एक है कि सही तरीका आप खुद ढूंढ लीजिए और सही तरीका आपको आपके मेंटर ने बता दिया। ठीक है, तीसरा है प्रैक्टिस। आप कहीं भी जाएं, अपने घर पे रहें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहें और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जाता है आंसर राइटिंग से। समझ में आ गया? ये 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम अब इस तीनों पे 3-3, 4-4 मिनट आपको कुछ बताएंगे कि पूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है। ठीक है,
सबसे पहला है नंबर वन पाठ्यक्रम की पूर्णता। यूपीएससी आपको एक सिलेबस प्रेस्क्राइब करती है, लेकिन अगर आप पीटी और मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखें तो आपको पता चलता है कि ये कंप्लीट है ही नहीं, ये आधा अधूरा है। पीटी का सिलेबस हाईली रिफ्लेक्टिव है, गरीबी, आर्थिक विकास, समावेशी विकास, नियोजन इत्यादि। मेंस का सिलेबस अगर डिटेल दिया हुआ है पेपर वन में, पेपर टू में, पेपर थ्री में, पेपर फोर में। हमारा कनेक्शन पेपर वन टू थ्री से है, क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक विकास पेपर थ्री मुख्य परीक्षा जनरल स्टडीज का मोर देन 60% है, और आर्थिक इशू से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र एक और प्रश्न पत्र दो में भी। तो हम इन तीनों पेपर के इकोनॉमी से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स का देखभाल करेंगे आपके कोर्स में, ठीक है। तो इनमें आप पाएंगे कि इनमें जितने मुद्दे दिए गए हैं उन मुद्दों से तो प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्न उन मुद्दों से भी पूछे गए हैं जो सिलेबस में मेंशन है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ता है। कैसे तैयार करता है? सबसे पहला कि यूपीएससी ने जो दिया है, दूसरा जहां से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या समाचार में था। इन तीन चीजों को एक साथ जोड़कर हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, समझ में आ गया। और इन तीनों चीजों से जुड़े हुए हर चीज की अवधारणात्मक समझ और इनकी व्यवहारिक, इनका उपयोग इन दोनों पहलुओं पे काम करना पड़ता है और लिंक करना पड़ता है इनको करंट से, फिर आपकी तैयारी सटीक होती है। ये पहला मुद्दा है कि पाठ्यक्रम की पूर्णता का मतलब क्या है। तो जो यूपीएससी सजेस्ट करती है उसको भी देखना है, जिन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी दिमाग में रखना है, और इससे जुड़े कैसी बातें समाचार में रहे इन्हें भी शामिल करना है। अवधारणात्मक समझ के साथ साथ उनकी उपयोगिता, एप्लीकेशन, अप्लाइड नॉलेज, इसको करेंट से जोड़ के आगे बढ़ना है, तभी आप अपने पाठ्यक्रम की पूर्णता की तरफ जा सकते हैं। सेकंड हमने कहा आपको कि शॉर्टकट नहीं है। दूसरा हमने बताया नो शॉर्टकट। शॉर्टकट की तलाश नहीं करें, ठीक है। तो फिर कैसे तलाश करें, कौन सा कट है जो राइट कट है? यही कहानी है कि सही मार्ग क्या है, इसी की जानकारी आपको अपेक्षित है किसी भी संस्थान से जिसे आप ज्वाइन करेंगे। यहीं पे काम आता है आपके गुरुओं, आपके मेंटर्स, आपके टीचर का लंबा अनुभव कि सही रास्ता क्या है, सही मार्ग क्या है। अगर शॉर्टकट जानलेवा है, लॉन्ग कट कभी पूरा ही नहीं होगा, तो सटीक रास्ता है क्या? इसी सटीक रास्ते के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि इन तीन चीजों को हम कनेक्ट करते हैं, ए बी एंड सी, इन तीजियों को कनेक्ट करते हैं, और तब आपको सही मार्ग पे आगे बढ़ने का राह प्रशस्त करते हैं और दिखाते हैं। ये क्लियर हो रहा है आपको? आप चैनल पे इस सेशन से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं, अपने कोई डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा मुद्दा है कि नो शॉर्टकट, नाइदर लॉन्ग कट, बट ऑलवेज ट्राई टू टेक द राइट कट, जो बेस्ट रास्ता है, जो सही मार्ग है, जिसे हम सटीक मार्ग करते हैं,
उस सटीक मार्ग को अपनाने की आपको कोशिश करनी है। तीसरा मुद्दा है आपका, जो है उचित अभ्यास, प्रॉपर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है जिसके अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने की ताकत होनी चाहिए, और दूसरा है जिसमें आपको सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे आंसर लिखने की कैपेबिलिटी और योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि उचित मात्रा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए हर तरीके से, और फिर शॉर्टकट नहीं अपनाएं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग तो क्लास में कराएंगे ही, अलग से मल्टीपल चॉइस के लिए पीटी के लिए फोकस कोर्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा के लिए फोकस्ड कोर्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किए जा रहे हैं, अदर देन शून्य से शिखर तक जो जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स है, जिसका एक बैच ऑलरेडी चल रहा है और दूसरे बैच की घोषणा 31 जुलाई 2003 से शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो MCQ की प्रॉपर प्रॉफिट प्रैक्टिस करना मतलब ऑब्जेक्टिव तरीके से उचित अभ्यास होना चाहिए। सब्जेक्टिव में क्या करते हैं हम यहां पे कि आंसर राइटिंग रेगुलर बेसिस पे कराना कोशिश कर रहे हैं, बल्कि करेंगे। आपको अगर किसी कोचिंग संस्थान में नहीं है तो अपने घर पे ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, किसी टीचर से उसका मूल्यांकन कराएं, फीडबैक लें, फीडबैक को शामिल करते हुए अगला प्रश्न देखें और कोशिश करें कि पिछले से अगला प्रश्न का उत्तर मेरा बेहतर हो। ये है तात्पर्य हमारे कहने का उचित अभ्यास। क्योंकि आप सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब यहाँ मैन यूज हो रहा है, इसका मीनिंग है ह्यूमन बीइंग, यहाँ कोई जेंडर बायस नहीं है, मैन एंड वीमेन बोथ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको परफेक्ट जानकारी नहीं होती, या तो वो वस्तु पूरक परीक्षा हो या वो विषय पूरक परीक्षा हो, सब्जेक्टिव एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम मतलब पीटी, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस मतलब मेन। अगर आप विधिवत तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, विधिवत तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप सटीक तरीका फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बात स्पष्ट है आपको? तो इस तरह से ये उचित अभ्यास आवश्यक ही नहीं बल्कि एक कंपल्सरी है। और शॉर्टकट की तलाश में छात्र क्या हो जाते हैं, वो भटक जाते हैं और उनको ये पता नहीं चल पाता कि हम कौन सी रणनीति और कौन सा रास्ता अपनाएं, और रिपीटेडली पीटीए फेल होते हैं या रिपीटेडली मुख्य परीक्षा में निम्न अंक लाकर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए जाते हैं। ऐसे हजारों छात्र बाजार में आपको मिलेंगे। हम लोग टकराते रहते हैं, क्योंकि हम लोग उनका इलाज करते हैं, तो हम लोगों के पास ऐसे छात्र अमूमन आते रहते हैं, जनरली आते रहते हैं, हमको यूजुअली मेल मिलते रहते हैं कि ये समस्या है सर, इसका निदान क्या है, उसका निदान क्या है। तो उसका निदान यही है कि आप डू एनफ प्रैक्टिस फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड डू एनफ प्रैक्टिस फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे स्थिति ये बनती है कि इन सारी बातों को आखिर हमारी टीम अनअकैडमी की ये कोशिश, हम लोग उनको थैंक्स बोलते हैं कि अनअकैडमी ने ऑफलाइन कोर्स हिंदी माध्यम में लॉन्च किया है और काफी अनुभवी शिक्षकों के साथ मुखर्जी नगर दिल्ली में, ये वी आर थैंकफुल टू देम। और हमें मौका मिला है कि अपने अनुभव के माध्यम से IAS एस्पिरेंट जो हिंदी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं या PCS जो हिंदी माध्यम से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनके मार्ग को आसान बनाएं। जैसा कि पता है आपको
कि हिंदी माध्यम के छात्र का न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट काफी निम्न होता है बल्कि मुख्य परीक्षा में भी निम्न होता है और फाइनल रिजल्ट भी उनका नहीं आता अच्छा। जहां तक रैंक का सवाल है तो रैंक जो हिंदी माध्यम से बेस्ट भारत में आए हैं वो भी लोग हमारे टीम में ही हैं, फॉर एग्जाम्पल रजनीश राज सर और दीपक सर, इन्हीं के छात्र थे जिन्होंने थर्ड रैंक लाया। ये भी पता होगा आपको कि हिस्ट्री इतिहास विषय में भारत के सर्वोच्च मार्क्स पिछले 13-14 साल में रजनीश राज सर के ही आए हैं। अब इस इतिहास को रिपीट फिर करेंगे ये हम लोगों की आशा है, बल्कि पूरा विश्वास है हम लोगों का। हम लोग क्या करेंगे कि ये त्रिविमीय चैलेंज जो बताए आपके सामने कि तीन तरह का चैलेंज है, तीन तरह का उपाय है जिस माध्यम से आप सटीक रास्ता अपना सकते हैं सिविल सेवा की परीक्षा का, तो ये सारे चीजों को हम समेटेंगे अपने कोर्स में। ऑलरेडी एक कोर्स में समेट रहे हैं, आने वाले समय में हम इसे 31 जुलाई से प्रारंभ होने वाले अपने द्वितीय बैच में समेटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको हाइलाइट्स दिखा दें, ये हमारी टीम है जो टीम ऑफलाइन टीम में अवेलेबल है। ये अजय जी हैं, दीपक सर हैं, संजीव सर हैं, ये मैं हूँ, ये रजनीश राज सर हैं, मधुकर कोटावे सर हैं, ये अतुल लोहिया जी हैं, ये हमारे ललित हैं और ये हिमांशु शर्मा है। ये टीम है आपकी, ठीक है, जो टीम आपको समान अध्ययन में तैयारी कराने जा रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफलाइन हिंदी मीडियम बैच, ये हमारा चैनल है यूपीएससी अनस्टेपेबल्स हिंदी, यूपीएससी की तैयारी के लिए संपूर्ण गाइड। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, इस चैनल पे आपको दूसरे एजुकेटर के साथ साथ हमारी जो ऑफलाइन जीएस की टीम है इनके भी विशेषीकृत प्रोग्राम मिलेंगे और सेशंस मिलेंगे, जो टाइम पास नहीं होगा, वास्तव में आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया होगा। ज्यादातर सेशंस आपको ऐसे होंगे जिसमें दो एजुकेटर बात कर रहे होंगे किसी विषय पे, या एक एजुकेटर से कोई दूसरा आदमी पूछ रहा होगा विशेष चुनौतियों के बारे में, उभरती चुनौतियों के बारे में और आज के समय में बदलते प्रश्न के प्रकृति के रूप में छात्र तैयारी कैसे करें, इन सब विद्यों में काफी सारे मुद्दों पे आने वाले हैं आने वाले समय में हमारे सेशन। तो आप सब्सक्राइब करिए और संपूर्ण गाइडेंस पाइए यहां पे, ठीक है। ये आपको प्रतिज्ञा शून्य से शिखर तक ऑफलाइन बैच का नाम है जो 2 जुलाई से एक बैच शुरू हो रहा है और दूसरा बैच 31 जुलाई से। 1500 घंटे प्लस का कोर्स है, 100% सिलेबस कवरेज है, एनसीईआरटी कवरेज फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 50+ टेस्ट, मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज 30+ टेस्ट, प्रश्नोत्तर अभ्यास 24,000 से ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास पुस्तक, मुख्य परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्यापक नोट्स पुस्तिकाएं जिसमें माइंड मैप, टाइमलाइन, चार्ट आदि शामिल है। ये हमारी तैयारी है और हम आपको सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतने अनुभवी लोग ऑफलाइन बैच हिंदी माध्यम के लिए इतने बड़े बैनर के अंतर्गत अनअकैडमी के बैनर पर प्लेटफॉर्म पे एक साथ शामिल हुए हैं। इन क्लासेस को लाइव भी स्ट्रीम किया जाएगा, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।